जेफ हार्डी ने दी अपने रिटर्न को लेकर बड़ी खुशखबरी। रिकोशे पर टूटा विंस मिकमैन का विश्वास। बेथ फीनिक्स को आरकेओ जड़ने के बाद रैंडी का आया रिएक्शन और गोलबा कर सकते हैं रोमन रेंस पर हमला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम 6 से 7 बड़ी खबरें कवर करेंगे। आज की वीडियो रहने वाली है वेनसडे नाइट स्पेशल। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस आर की सबसे बड़ी न्यूज के साथ। तो गाइस, जेफ हार्डी का रिटर्न हो चुका है लगभग कंफर्म। तो मैंने आपको बताया था कि जेफ हार्डी आने वाला है WWE के शो यानी कि WWE बैक स्टेज के अंदर, जहां वो अपने रिटर्न को लेकर बहुत बड़ी अपडेट्स गिरा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। रेने यंग से हुई बातचीत के अंदर दोस्तों जेफ हार्डी ने ये चीज कही कि रेने, मैं 100% क्लियर हूं, मैं बीती स्मैकडाउन के बैकस्टेज भी था और उससे लास्ट वीक भी मैं बैकस्टेज ही था। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि क्रिएटिव टीम कब हां करे। यहां दोस्तों जेफ हार्डी ने साफ कर दिया है कि वो 100% क्लियर है, अब उन्हें कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी शरीर का पार्ट उनका टूटा फूटा नहीं है। साथ ही साथ यहां दोस्तों जेफ हार्डी ने अपनी उन थिंग्स को भी डिस्कस किया हल्के से जो कि उनके साथ हुई थी, यानी कि ड्रग्स वाली। अमेरिका के कबीर सिंह ने दोस्तों ये चीज बताई है कि हाँ, लास्ट 9 महीने मेरे लिए काफी हार्ड रहे। 3 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन मैं काफी मुश्किल में था, बट अब लगभग सारी चीजें स्मूथ हो चुकी है और मैं अपने रिटर्न को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ दोस्तों आप रख के चल सकते हैं कि जेफ हार्डी जो है वो अपकमिंग वीक्स में हमें अपना रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि WWE की क्रिएटिव टीम उन्हें रेसलमेनिया के बाद ही लाने की सोचे। अब देखते हैं जेफ हार्डी का फ्यूचर क्या रहता है, बट बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि जेफ हार्डी हमें देखने को मिलने वाला है। बट गाइस, अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो गाइस वो हमारी आज की जुड़ी हुई है किंग रिकोशे से। तो प्रिंस पूमा कह लीजिए या फिर कह लीजिए रिकोशे, शायद रिकोशे का करियर अब WWE के अंदर वैसा नहीं चलने वाला जैसा कि वो सोचकर आ रखे थे, क्योंकि जैसी रिपोर्ट्स है विंस मिकमैन ने रिकोशे पर विश्वास करना छोड़ दिया है। तो एक टर्म दोस्तों WWE के अंदर काफी ज्यादा यूज की जाती है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, विंस मिकमैन गिवन अप ऑन दैट रेसलर, यानी कि विंस मिकमैन ने अब उस रेसलर को पुश नहीं देना। और ये टर्म दोस्तों अब यूज की जा रही है रिकोशे के साथ। आप जानते हैं आज से कुछ 1 महीने पहले सेड्रिक अलेक्जेंडर भी काफी ज्यादा ओवर हो चुके थे, लेकिन एकाएक वो रोस्टर के अंदर से ही गायब हो गए क्योंकि विंस मिकमैन को अब उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा। सेम थिंग दोस्तों बताई जा रही है कि रिकोशे के साथ होने वाली है, जिसकी दोस्तों पहली कड़ी हमें रॉ के अंदर भी देखने को मिल गई। इस बीती रॉ के अंदर वो रिडिक मॉस से हारे, रिडिक मॉस जो कि एक न्यू कमर है उससे रिकोशे हार गए, जो कि उससे लगभग 1 हफ्ते पहले फेस कर रहे थे ब्रॉक लेसनर को फॉर WWE चैंपियनशिप। तो कहीं ना कहीं यहां WWE गंदा बुक करने वाली है रिकोशे को, और मेरे हिसाब से दोस्तों अब वो आपको कभी भी WWE चैंपियनशिप या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप की दौड़ में आगे भागते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो काफी ह्यूज न्यूज है यहां दोस्तों। विंस मिकमैन अब रिकोशे को कोई मेजर पुश नहीं देने वाले, वो मिड कार्डर बनकर ही रहेंगे। और होप करते हैं दोस्तों कि आगे जाकर रिकोशे बेहतर करे और कहीं ना कहीं विंस मिकमैन का फिर से दिल जीते। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस, इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बेथ फीनिक्स और रैंडी ऑर्टन से। तो बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि बेथ फीनिक्स अटैक करने वाली है रैंडी के ऊपर एंड ऑल दैट शिट। बट गाइस, सच तो ये है कि एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ दोस्तों पॉल डेविस ने ये चीज बताई कि रैंडी ऑर्टन ने जो अटैक किया बेथ फीनिक्स के ऊपर, ये रैंडी ऑर्टन ने इसलिए किया ताकि एज के साथ जो उनकी राइवलरी हो ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। और कहीं ना कहीं WWE वाले भी जानते हैं कि हमने ऐसी थिंग्स आगे जाकर नहीं करनी है कि जहां महिलाओं को चोट आने की संभावना हो। तो आगे जाकर दोस्तों आपको प्रोबेबली ऐसा कोई सेगमेंट अब देखने को नहीं मिलेगा। वहीं गाइस, बात की जाए रैंडी ऑर्टन की, तो रैंडी ऑर्टन का भी रिएक्शन आ चुका है। रैंडी ऑर्टन ने ये चीज कही है WWE को टैग करते हुए कि अगले से कभी भी किसी मर्द के सामने किसी महिला को मत फेंकना। वहीं दोस्तों उन्होंने टैग किया है रेटेड आर सुपरस्टार
एज को भी, तो काफी सैवेज बन चुके हैं रैंडी ऑर्टन। और सैवेज से याद आया दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सैवेज थिंग है, नाम है वनएक्सबेट। वनएक्सबेट दोस्तों एक तरीके की बैटिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। करना बस यही है कि आपको पिंड में सबसे ऊपर एक कमेंट मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। और अगर आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं हमारा प्रोमो कोड यानी कि हिंदी गॉसिप्स, तो आपको मिलते हैं 100 USD जो कि आप इस थिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। और विड्रॉल का तरीका भी काफी ज्यादा आसान है, तो अभी के अभी चाहिए, लिंक इन द पिंड। पर गाइस बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की, तो गाइस वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो जुड़ी हुई है शेना बेजलर और बैकी लिंच की राइवलरी से। तो एक ऐसी राइवलरी बन चुकी है जो कि काफी बोर कर रही है, लेकिन शेना बेजलर शायद हमें बोर नहीं होने देगी। शेना बेजलर ने आज बैकी लिंच का मजाक उड़ा दिया। तो बैकी लिंच दोस्तों कल रॉ के अंदर आई थी जहां वो शेना और कायरी का मैच देखी। इस मैच के दौरान दोस्तों उन्होंने गाउन सा पहन रखा था, काफी फनी वो लग रहा था, और किंग का जो मुकुट रहता है वो भी उन्होंने पहना था। अनाउंसर टेबल पर बैठ रखी थी, तो शेना ने क्या किया आज की उनकी तस्वीर डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, वहीं उन्होंने कैप्शन में क्या चीज लिखी कि बैकी तुम एक चैंपियन के नाम पर मजाक बन चुकी है। तो साफ सी बात है कि बैकी लिंच की भी एक गलती है कि आजकल काफी फनी थिंग्स कर रही है। एक चैंप की गरिमा ये होती है कि वो चैंपियन जैसा दिखे, ना कि ऐसे उठ पटांग करतब करे। तो यहां मैं शेना की बात से सहमत हूं। वही बात की जाए बैकी की, तो बैकी चाहे जिस भी ड्रेस में ये कूल लगती है, तो बैकी की तरफ से भी सही है। कुल मिलाकर दोस्तों मेरे हिसाब से WWE ने जो राइवलरी अभी स्टार्ट की है काफी गलत की है, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर अब काफी क्रिस्टल क्लियर लग रहा है कि शेना को ही जीतना है और शेना बेजलर ही जीतेगी और रेसलमेनिया में शेना वर्सेस बैकी ही होगा। तो काफी प्रेडिक्टेबल हो चुका है WWE, यहां कहूंगा और चलूंगा इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी द फीनोम अंडरटेकर से, जो कि अपनी पत्नी के लिए भिड़ चुके हैं WWE से। तो हुआ क्या वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। कंट्रोवर्सी दोस्तों स्टार्ट होती है तब जब WWE डालता है वुमन हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी फोटोज, जिसके अंदर वो मेंशन करता है बैकी लिंच को और भी कई स्टार्स को जो कि पास्ट में रही है। एक महिला इसमें से गायब थी जो कि अंडरटेकर की पत्नी मिशेल मिक्कूल है। मिशेल मिक्कूल दोस्तों एक ऐसी डीवा रही जिसने डिवास डिवीजन का एक तरीके से रेवोल्यूशन लाया। डिवास डिवीजन में दोस्तों उन्होंने बहुत बेहतर किया था। आपको याद होगा आज से कुछ एक साल पहले वो और लैला जो थी वो दोनों मिलकर ही डिवीजन को उठा रखी थी, बाकी की महिलाओं के तो हम नाम भी नहीं जानते थे। और इसी बीच दोस्तों जो मिशेल है उनको आ गया गुस्सा, उन्होंने देखा कि गैलरी में मेरी कोई फोटो नहीं है। उन्होंने टैग करते हुए WWE को एक चीज कही कि सबसे घटिया थिंग है जो तुमने मेरे साथ की है। मैं अगर अंडरटेकर की पत्नी हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे कहीं मेंशन ही ना करो, क्योंकि सभी जानते हैं कि अंडरटेकर को WWE एज ए डेड मैन ही दिखाना चाहती है, इसलिए वो किसी समारोह पर नहीं आते और उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है। ऐसा उनका कहना था कि अंडरटेकर का नाम मेरे साथ जुड़ा होने के चलते तुम मुझे मेंशन नहीं किए, बहुत गलत किए। जिसके बाद दोस्तों WWE वालों ने क्या किया कि उस गैलरी को ढंग से अपडेट किया और ये चीज कही कि हमने कूल थिंग्स इसके अंदर डाल दी है, यानी हमने मिशेल को इसके अंदर डाल दिया है। बट अंडरटेकर को गुस्सा आ चुका था। अंडरटेकर ने ट्वीट किया कि टू लिटल टू लेट अनबिलीवेबल। तो यहां दोस्तों अंडरटेकर भी खफा इस बात को लेकर कि WWE ने काफी देरी कर दी और काफी बड़ी गलती दोस्तों WWE ने की थी जो मिशेल को वहां नहीं डाला गया था। मिशेल दोस्तों काफी बढ़िया रेसलर है और अंडरटेकर से शादी करने के बाद से दोस्तों अब WWE उन्हें उनकी पत्नी के तौर पर देखता है, ना कि एक इंडिविजुअल रेसलर के तौर पर। तो चाहिए WWE के एम्प्लॉयज को कि आगे जाकर ऐसी कोई गलती ना करे जिससे अंडरटेकर खफा हो जाए। अंडरटेकर ने अपना तन मन धन WWE को दिया है और WWE को उनकी और उनकी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट गाइस अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है बिल गोल्डबर्ग और बिग डॉग रोमन रेंस की राइवलरी से। तो गाइस लास्ट वीक हमने देखा था कि कैसे रोमन रेंस ने चैलेंज किया बिल गोल्डबर्ग को और उसके ठीक बाद WWE ने इनका मैच बना दिया। अब गाइस माना यह जा रहा है कि इनकी राइवलरी के अंदर आपको एक्शन सीक्वेंस ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं, बजाय दोस्तों इसके कि ये टॉक करे माइक के ऊपर। अब दोनों के बारे में बताऊं तो मैं काफी लॉयल रहूंगा यहां दोस्तों। रोमन रेंस भी माइक के ऊपर इतना ज्यादा अच्छे नहीं है, ना ही दोस्तों बिल गोल्डबर्ग माइक के ऊपर इतने ज्यादा अच्छे हैं। तो माइक यानी कि बोलचाल से तो इनकी राइवलरी स्ट्रांग नहीं होने वाली, ये चीज साफ है। और दोस्तों अब ये जब चीज साफ हो चुकी है तो दूसरी थिंग ये निकल कर आती है कि जब मुंह से काम नहीं चलता, जब बात से काम नहीं चलता, तो लात का प्रयोग होना ही होना है और आपको जल्द इनके मध्य
काफी ज्यादा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं और उसकी नींव डाली जा सकती है अगली स्मैकडाउन के अंदर से। अगली स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों प्रोबेबली रोमन रेंस किसी मैच का पार्ट हो सकते हैं, प्रोबेबली उसोस के साथ अटैक कर सकते हैं या फिर किसी और सिंगल कॉम्पिटिशन का पार्ट हो सकते हैं, चूंकि जो गोल्डबर्ग है वो तो ऐसे फाइट्स नहीं देते। तो ये एंगल देखने को मिल सकते हैं कि रोमन रेंस अपनी फाइट को जीते और उसके बाद बिल गोल्डबर्ग उन्हें एक तगड़े वाला स्पीयर धर दे। यहाँ दोस्तों पॉसिबिलिटीज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब रेसलमेनिया को होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, अप्रैल के पहले कुछ एक हफ्ते में वो हमें देखने को मिल जाती है। इस बार दोस्तों शायद से 5 अप्रैल को रखी गई है, तो यहाँ साफ सी बात है कि जो बिल गोल्डबर्ग और रोमन रेंस की राइवलरी रहने वाली है उसके अंदर आपको दोनों तरफ से स्पीयर पड़ते हुए नजर आने वाला है। आप किसके स्पीयर को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आज का सवाल रहने वाला है, कुछ अजीब सा सवाल है बट इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।